हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पीयूष महाजन, साइकेट्रिस्ट अमृतसर। मैं आज आपके साथ सुसाइड अवेयरनेस डे पे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इन बातों की शुरुआत मैं कुछ स्टेटमेंट से कोट करूँगा, जो स्टेटमेंट एक पेशेंट और उसको सुनने वाले इंसान के बीच में हो रही हैं। पहली कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो पेशेंट की हैं। एक पेशेंट बोलता है कि मेरा आजकल मन उदास रहता है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। अब मुझे अपना रूटीन में जो काम करता हूँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने घर की लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ कोई बातचीत करना, इन सब में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा मन ही नहीं करता मैं इनमें से कोई भी काम करूँ। यहाँ तक कि मुझे अपनी दिनचर्या जैसे नहाना धोना, ये भी एक बोझ लगने शुरू हो गया। और अब दूसरे इंसान की स्टेटमेंट्स को मैं बोलूँगा, यह क्यों ऐसे फील करता है? ये डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डिप्रेशन तो एक कमज़ोरी है। तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस दे, अपनी बातों को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, तो जिम जाया कर, यही से ठीक हो जाएगा। ऐसे ही किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, पहले तो तुझे लूट लेगा, तुझे दवाइयों की आदत डाल देगा, तो तुझे परेशानी होगी। मेरी बात मान, तू इसको इंट्रोस्पेक्शन कर, मेडिटेशन कर, और ये दवाइयों के चक्करों में कभी मत पड़। सो विद दीज स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू हाईलाइट द स्टिग्मा दैट इज अटैच विद एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। इसी स्टिग्मा के कारण हमारे देश में या अब्रॉड सुसाइड का जो एक ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है, और हम लोग इसे इतना स्टिग्मेटाइज कर चुके हैं कि कोई अपनी इमोशंस को व्यक्त करने में, प्रेजेंट करने में किसी के साथ पहले ही हेजिटेशन महसूस करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें, मेंटल इलनेसेस को समझें, और ये ना समझें कि कोई मेंटल इलनेस होना एक वीकनेस को शो करता है, या मतलब कोई अंदरूनी कमज़ोरी को शो करता है। जैसे फिजिकल इलनेसेस होती हैं, जैसे लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसे ही ब्रेन जो कि एक बॉडी का ऑर्गन है और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसकी कुछ इलनेसेस साइकेट्रिक इलनेसेस की तरह प्रेजेंट करती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, हेडेक, एपिलेप्सी, बिहेवियर डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, ये सब ब्रेन की बीमारियां हैं, जैसे कि और फिजिकल इलनेसेस हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर। तो हम इन दोनों को समान रखें, इन दोनों को कंपैरेटिव रखें। जैसे हम शुगर के लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाने में हेजिटेट नहीं करते, ऐसे ही हमें मेंटल इलनेसेस में सबसे पहले साइकेट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट ज़रूर करना चाहिए और कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हम, अगर एक इंसान भी अवेयर होता है और वो आगे इसकी चेन बनाता है, तो ये चेन ऑफ अवेयरनेस जो है फैलाने से इतनी अवेयरनेस साइकेट्री के रिलेटेड आएगी कि हमें मेंटल इलनेसेस को भी प्रायोरिटी देंगे, और कभी भी इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आगे सिवियरिटी होने पे मेंटल इलनेसेस की जैसे कि सुसाइड, उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। अब कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा कि सुसाइडल पेशेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। मोस्टली सुसाइडल पेशेंट जो होता है ना, वो मेन तीन पॉइंट से हम उसको जज कर सकते हैं। तीन पॉइंट्स के जो इंग्लिश में नाम है, पहला है होपलेसनेस, दूसरा है हेल्पलेसनेस, चौथा है वर्थलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब कि पेशेंट बोलता है कि मुझे डॉक्टर आगे अपनी ज़िंदगी में कोई होप नहीं नज़र आ रही। हेल्पलेसनेस का मतलब ऐसा है कि मेरी कोई अब मदद नहीं कर सकता। वर्थलेसनेस का मतलब है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। जब कोई भी इंसान ऐसी तीन चीज़ें बोलें या उसकी बातों से आपको इन तीन चीज़ों का एहसास हो, तो जल्द से जल्द उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, उसका इवैल्यूएशन कराएं। इवैल्यूएशन कराने के बाद फॉलोअप ज़रूर रखें, उसको रेगुलर दिखाते रहें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, हम सुसाइड के रेट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स जो सुसाइडल होते हैं वो अपना कुछ सुसाइडल अरेंजमेंट करते हैं, कभी कोई रोक लेके घर में रख लेते हैं, कोई रस्सी ले आते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद के ले आते हैं, कभी कोई इंसान ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मेरी विल बना दो, मेरा अब टाइम आने वाला है। तो ज़रूरी है हम सभी इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, पेशेंट के साथ एम्पथाइज करें। हम जितना उनकी बातें सुनेंगे,
उन्हें उतनी ही हेल्प मिलेगी। कभी भी अवॉइड ना करें ऐसे किसी पेशेंट से बात करना, बात करें और इसे अवेयरनेस को फैलाते रहें, तभी सुसाइड का हल हो सकता है। थैंक यू।